हेलो बिकॉम स्टूडेंट्स। तो जो हमने मटेरियल अकाउंट वन, ठीक है, बीकॉम सेम थ्री का कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर टू स्टार्ट किया था, उसके 6 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और मैंने 18 सम बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। उसके बाद आपको जितने भी सम है पीछे के वो सब रिपीटेड वैसे के वैसे ही है, आप इजीली आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो सारे सम की। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है उस समय से तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9725714309। क्लियर? थ्री में अच्छे से लिख लेता हूँ, ये थ्री है। आप व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेरी जो भी होगी बाकी के सम की आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारा ये वाला चैप्टर मटेरियल अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 है, ये फाइनल लेक्चर मैं कहूंगा। क्लियर? अगर आप ये साथ के साथ लेक्चर देख लेते हो तो भी आप इजीली एग्जाम में पास आउट हो जाओगे ये वाले चैप्टर में। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है सम नंबर आपके 33 का, 33 का ए बी एंड सी में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम अ स्टोर डिपार्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक कंजम्पशन, स्टॉक टर्नओवर रेट, ये तीनों करना है। डिटेल क्या दी है इन्होंने, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, एवरेज स्टॉक दिया है। तो एवरेज स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के मदद से हम निकाल लेंगे इजीली ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा है सम नंबर 33 का ए। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। यहां देखोगे आप ओपनिंग दिया है 40 और एवरेज दिया है 45। एवरेज दिया है आपको 45, ओपनिंग दिया है आपको 40, प्लस कर दो क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय टू। अब क्या करेंगे, ये टू को लेके जाएंगे हम यहाँ पे, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल्स टू 40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये 40 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और 45,000 इंटू टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 90,000 माइनस 40,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या आया, माइनस 40,000, 90,000 में से माइनस 40,000 किया तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा आया 50,000। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ चुका है 50,000। नीचे देख लेते हैं, ओके कंप्लीट। अब उसके बाद उन्होंने मुझे क्या बोला, स्टॉक कंजम्पशन निकालो। तो स्टॉक कंजम्पशन निकालना मतलब मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, स्टॉक मतलब क्या हो गया, मटेरियल कंजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका क्या था, 40,000 और परचेसेस इन्होंने क्या दिए हमें, 1,10,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो हमने अभी निकाला 50,000। तो 40,000 प्लस 1,10,000 माइनस 50,000, तो हमारा मटेरियल कंजम्पशन जो आया जो कि स्टॉक कंजम्पशन है 1 लाख। क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला, स्टॉक टर्नओवर रेट निकालो। तो टर्नओवर रेट, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेट का, जो भी आपका मटेरियल कंजम्पशन रहेगा
उसको डिवाइड बाय आपको क्या करना है, एवरेज स्टॉक्स है। तो मटेरियल कंजम्पशन मेरा था 1 लाख और मेरा एवरेज स्टॉक कितना था यहाँ पे दिया है 45,000। कितना आया मेरा 1 लाख डिवाइडेड बाय 45,000, आपका आया 2.22 टाइम्स। 17 का सॉरी 32 का ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक 50,000 निकाल दिया। उसके बाद सेकंड हमारा परचेस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 1 लाख निकाल लिया और थर्ड मटेरियल टर्नओवर 2.22 टाइम्स निकाल लिया। उसके बाद चलते हैं हम सम नंबर बी में, ये बोल रहे हैं फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सेल ओके और अमाउंट ऑफ परचेजेस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है और एंड अमाउंट ऑफ परचेजेस निकालना है। तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ मटेरियल आपका दे दिया है 220 आपको मिल चुका है। कॉस्ट ऑफ सेल आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल आपका क्या हो जाता है कंजप्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। और दूसरा आपको क्या बोला यहाँ पे, अमाउंट ऑफ परचेसेस, तो हमें परचेसेस निकालनी है। तो यहाँ पे यहाँ उन्होंने दे दिया है कंजप्शन ऑफ मटेरियल आपका कितना आया है 2,20,000 और परचेसेस कितनी आई है आपकी 2,30,000। तो यहाँ पे दोनों ने आंसर यहाँ पे दे दिया है, लेकिन हमें निकालना है कि कैसे आया, क्लियर ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना दिया आपको यहाँ पे, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 60,000 और एवरेज स्टॉक कितना दिया है 55,000। तो आपके दिमाग में अब रनिंग होना शुरू हो चुका होगा कि इन दोनों की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए हम करते हैं सम नंबर 32 का बी। सम 32 का बी, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपका एवरेज स्टॉक है 55,000, ओपनिंग हमें निकालना है प्लस क्लोजिंग आपको दिया है 60,000 और इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 55,000 ये 2 को हम लेके जाएंगे ऑपोजिट साइड, तो ये हमारा हो जाएगा 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 1,10,000 और ये 60,000 को भी यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 60,000। इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना आया 1,10,000 माइनस 60,000, तो 50,000 आपका आ जाता है ओपनिंग स्टॉक। 50,000 आपका क्या आ गया ओपनिंग स्टॉक। अब हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल मतलब मटेरियल कंज्यूम, वो किसके मदद से, इन्वेंटरी टर्नओवर रेट की मदद से। इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका, मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका एवरेज स्टॉक। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेट आपका आता है 4 टाइम्स। मटेरियल कंज्यूम हमें निकालना है जो कि कॉस्ट ऑफ सेल है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक आपका आता है 55,000। अब ये यहां पे लेके जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 55,000 इंटू 4 तो 2,20,000 इक्वल्स टू आपका क्या आया मटेरियल कंज्यूम, क्लियर। ये रहा मटेरियल कंज्यूम आपका आ गया 2,20,000
2,20,000। अब हमें परचेस निकालनी है, तो परचेस हम कैसे निकाल सकते हैं? मटेरियल कंज्यूम्ड वाले फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपका आ चुका है 2,20,000, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना आया था? ओपनिंग स्टॉक आपका आया था 50,000। परचेसेस आपको निकालने हैं और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया था 60,000। अब तो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऑपोजिट साइड लेके जाओ, तो 2,20,000 50 वहां जाएगा ऑपोजिट में, तो माइनस का 50 और क्लोजिंग माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का 60 इक्वल्स टू परचेस। तो आपका परचेस आ गया 2,20,000 माइनस 50,000 प्लस 60,000, तो 2,30,000। क्लियर, ये आपका आ गया परचेस 2,30,000। अब हम करेंगे सी, लास्ट लेक्चर का लास्ट 32 का सी हम सम करने वाले। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट मिनिमम मैक्सिमम और रीऑर्डर लेवल। तीन लेवल हमें निकालने को बोले, एवरेज कंजम्पशन है 10 और मिनिमम कंजम्पशन है 5। तो मैक्सिमम कितना होगा? तो एवरेज जो आपका 10 है उसको मल्टीप्लाई करो 2, और जो दिया है मतलब मिनिमम दिया है वो माइनस कर दो 5। तो मैक्सिमम कंजम्पशन आपका यहाँ पे आ जाता है 15। ऑर्डरिंग पीरियड आपको मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 है, तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय कर दूंगा 2, तो 25 आपका आ जाएगा नॉर्मल। तो ये चीजें तो हम यहाँ पे निकाल ही देते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पे आपको दे दिया है 15 यूनिट्स डेली, मना तो हमने निकाल लिया था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रीऑर्डर लेवल, क्योंकि पहले इन्होंने मिनिमम लेवल फर्स्ट बोला है, लेकिन हमें रीऑर्डर लेवल के बिना तो हमारा मिनिमम मैक्सिमम लेवल अधूरा है, क्योंकि उसके फॉर्मूला में रीऑर्डर लेवल तो आता है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है रीऑर्डरिंग लेवल। तो सम नंबर 32 का सी, सॉरी 33 का सी, से पहले भी हमारा 33 का ये बी था। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? रीऑर्डरिंग पीरियड। रीऑर्डरिंग लेवल, तो इसका फॉर्मूला क्या है? मैक्स कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्स टाइम। तो मैक्स कंजम्पशन आपको यहाँ पे दिया है 15 और मैक्स टाइम दिया है यहाँ पे 30। तो 15 × 30 मतलब 450, 450 यूनिट्स। सेकंड हम निकालेंगे मिनिमम लेवल, इसका फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इन एवरेज टाइम। तो रीऑर्डरिंग लेवल आपका होता है 450, एवरेज कंजम्पशन आपका यहाँ पे हो गया था 25 और एवरेज टाइम यहाँ पे आपका हो गया है 10। तो 25 × 10, तो 450 माइनस 25 × 10 मतलब 250, तो 200 यूनिट्स। थर्ड हमको निकालना है मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम प्लस EOQ। तो इन रीऑर्डरिंग लेवल हमारा कितना आया था? 450, सॉरी माइनस आएगा
मिनिमम कंजम्पशन आपको कितना दिया है? 5, और मिनिमम टाइम हमको दिया है 20। तो 5 × 20 प्लस ईओक्यू वो दिया है आपको 500 US। तो 450 माइनस 5 × 20 हो गया आपका 100, प्लस 500 आपका करना है। 450 माइनस 100 प्लस 500, 850 यूनिट्स आपका आंसर आया। तो स्टूडेंट्स हमारे टोटल 32 और 33 सम का सी भी हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हमारे टोटल 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि फाइनल लेक्चर था ये हमारा 7 मटेरियल अकाउंट्स का। तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है मेरे एंड से। आपको बाकी के सम प्रैक्टिस करनी है, और मैंने कहा था अगर कोई डाउट हो तो मेरे मुझे व्हाट्सएप पर क्या आप पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अब इन सब की नोट्स जो है 7ों लेक्चर की वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।